हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी से संबंधित एक ऐसे इश्यूज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थियों की एक कॉमन समस्या बन चुकी है। सभी अभ्यर्थी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग तो वे करना चाहते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग करने के लिए वे प्रश्न कहाँ से लाएँ, सबसे बड़ी समस्या और चुनौती उनके सामने होती है। तो आज इसी मुद्दे से इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब चूंकि अभी आप देखेंगे कि 69वीं बीपीएससी की कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा निकाली जा चुकी है और आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर 69वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी। बहुत अधिक संख्या में इस बार वैकेंसी आने वाली है क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पहली बार बीपीएससी 69th प्रीलिम्स के रूप में कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो अगर आप फाइनल सेलेक्शन चाहते हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस पे भी अच्छी फोकस कर रहे होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो मेंस की जब आप तैयारी की ओर बढ़ रहे होंगे तो सबसे पहली चुनौती जो आपके सामने उभर कर आती है वो यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग तो आप लोग डेली करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से लाएं, इसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने होती है। ठीक है, तो इसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चूंकि 68वीं बीपीएससी के बाद से देखेंगे, 68वीं बीपीएससी से देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपके सामने अगर आप देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तो तरीका हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, तो अभी आपके सामने पीवाईक्यू अवेलेबल है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रीवियस ईयर आपके पास अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स के रूप में। लॉन्ग के लिए तो अवेलेबल है लेकिन शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो बाकी आप प्रश्न कहाँ से लाएंगे, तो इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन हो सकता है वह है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स अब ऐसी, चूंकि बीपीएससी के द्वारा जो पैटर्न अपनाया गया है तो अब एनसीईआरटी बुक का महत्व अब इतना बढ़ चुका है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस के लिए भी एनसीईआरटी बुक पर आश्रित होना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी बुक को ही मेंस परीक्षा के लिए भी आप आधार बनाएं और हर एक चैप्टर के बाद, जैसे मान लेते हैं कि एक मैं कुछ हर एक सब्जेक्ट का मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मान लेते हैं कि इकोनॉमी की 9th क्लास की इकोनॉमी बुक का एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर है निर्धनता पोवर्टी। ठीक है, तो आप यहाँ पोवर्टी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पोवर्टी से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ चल रही है, करेंट अफेयर के अंतर्गत क्या क्या न्यूज़ चल रही है, जैसे देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने गरीबी की जो परिभाषा थी उसमें बदलाव लाया है, गरीबी की परिभाषा में बदलाव वर्ल्ड बैंक ला चुकी है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। वर्ल्ड इसे पोवर्टी से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, आप इसे अच्छे से देखिए। यानी कि पोवर्टी चैप्टर आप जब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद करेंट अफेयर्स या फिर अन्य कहीं से भी आपको कंटेंट मिले तो उसको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद अब आप आते हैं आंसर राइटिंग की ओर। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में जब एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे चैप्टर निकालेंगे तो चैप्टर के अंत में आपको क्वेश्चन का कलेक्शन जो दिया हुआ है वह आपकी शॉर्ट आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला सवाल क्या है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे दिया किया जाता है, यही भी एक सवाल बीपीएससी के द्वारा शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ही नहीं, कई सारे, जैसे देखिए, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। मान लेते हैं कि कोई एक लॉन्ग प्रश्न आता है 38 मार्च का पोवर्टी से रिलेटेड, उसमें एक सेक्शन ये दिया जा सकता है। सवाल मान लेते हैं कि बन गया कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, भारत में निर्धनता की गणना से संबंधित कौन कौन सी समितियाँ गठित की गई है और भारत सरकार निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, बिहार सरकार के योगदान को भी बताएं। मान लेते हैं कि एक सवाल बन गया, तो ये सवाल जो हमने तीसरा सेक्शन में क्या यही सवाल हमने बोला, तो ये दिया जा सकता है। यानी कि जब आप एनसीईआरटी बुक का कोई एक चैप्टर पढ़ें तो अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए या रूटीन में आप इसे शामिल करिए कि एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके लास्ट में जो प्रश्न का कलेक्शन दिया हुआ होता है तो आप उसे हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से एक फायदा यह होगा कि आप जो भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं उस चैप्टर से जुड़ी हुई चीजें आपको याद है या नहीं, आप इसे समझ पाएंगे। दूसरी बात,
उस चैप्टर में कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो आपको बार बार याद करना होगा, बार बार जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी मेमोराइज होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रश्न के लिए इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद इसे निकालिए अभ्यास प्रश्न पत्र और उसे आप अपना सॉल्व करिए, ठीक है। ये हमने एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर लिया, इकोनॉमिक्स का ही एक और चैप्टर आते हैं हम लोग खाद्य सुरक्षा को लेकर। देखिए एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस कितना बेहतरीन है, खाद्य सुरक्षा जैसे चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या डेफिनेशन है, जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है, नहीं ये डिफिनेशन नहीं है, यहाँ पे देखिए 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब हो गया, जो बेसिक फूड है, यानी बेसिक फूड में क्या है, चावल रोटी दाल दूध सब्जी, ये सब जो बेसिक फूड है उसकी सदैव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हर नागरिक के लिए हो, वही खाद्य सुरक्षा है, ठीक है। तो ये सारे जो डिफिनेशन आपको एनसीईआरटी में वो भरपूर मात्रा में मिलेंगे और एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप एक एक लाइन को काफी गहनता के साथ आप उसे अध्ययन करें। इसके बाद इसका मैं यहाँ पे प्रश्न के डायरेक्ट पेज वाला में आ गया, देखिए यहाँ पे क्या क्या सवाल बनाया हुआ है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, आप ये प्रश्न शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, अपने सुझाव दीजिए खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसके अलावा गरीबी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने, गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है, सरकार यानी कि खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है, इस पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में आया, अंत्योदय योजना आया, इधर पर 2021 में प्रधानमंत्री अन्न रोजगार योजना प्रारंभ किया गया, तो इन सारे स्कीम को आप जब ये सॉल्व करेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जान रहे होंगे उसे आप सर्च करेंगे तो इससे जो आपका नोट्स है और आपकी मेमोरी पावर है, आपका जो कंटेंट है वह इन रीच होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी चली आएगी कि जब उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज आपकी जुबान पे होगी आपके नोट्स में अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। देखिए यहां टिप्पणी करने में कितना अच्छा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, न्यूनतम समर्थित कीमत, इसको आप पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत, इन सब चीजों पर आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, अगर हाँ तो कैसे आत्मनिर्भर बना गया है, विभिन्न डाटा का प्रयोग करके आप इसका आंसर लिखिए। तो ये सारे जो डेटा आप इसके लिए यूज़ करेंगे वही आपको बीपीएससी में जब हरित क्रांति की सफलता प्रश्न पूछे अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन में, तो इसे आपको वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। ये तो हमने इकोनॉमिक्स के लिए डिस्कस कर लिया, यहाँ पर अब हम लोग पॉलिटी देखते हैं। देखिए पॉलिटी का एक चैप्टर है, हमने आपको एक वीडियो बनाया था कि एनसीईआरटी की कौन कौन से बुक पढ़नी है, उसमें हमने बताया था कि क्लास 11th की पॉलिटी आपको पढ़नी है, क्लास 11th की पॉलिटी में एक चैप्टर है, क्लास 11th की पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें एक चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए कितना अच्छा सवाल है, मैं इसे दिखाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लिया हूँ। देखिए सवाल, भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, पक्ष अथवा विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करें, ठीक है। तो इन सारे सवालों को आप यहाँ पे लिखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी चैप्टर को आप पढ़िए, एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है उन कलेक्शन आप प्रश्न का उत्तर आप लिखिए और स्वतः जांच करिए कि क्या आपने जो लिखा है वह सही है अथवा नहीं। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, हो सकता है कुछ दिनों अंदर मैं अवेलेबल कराना प्रारंभ कर दूं और समय समय पर प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा चैप्टर देखिए, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित रख पाती है, यानी कि लोकसभा जो है राज्यसभा की तुलना में कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से क्यों नियंत्रित कर पाती है, कई सारे कारण है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे लोकसभा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार प्राप्त है और यह राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, इसीलिए राज्यसभा नियंत्रण नहीं कर पा रही है, ठीक है। धन विधेयक पर
सहमति देने का कार्य किसका है? लोकसभा को। राज्यसभा को सिर्फ एक रबर स्टैंप वाली शक्ति प्रदान की गई है, इसीलिए राज्यसभा कारगर नहीं है कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का। ठीक है, तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिससे प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकती है लोकसभा राज्यसभा की तुलना में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, हर एक सेक्शन को आपको पढ़ना है। एक सवाल है, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं पर अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्या आप इससे सहमत हैं? यानी कि लोकसभा जो है वह जन भावनाओं और जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक मंच है। किस प्रकार से लोकसभा जो है वह वाद विवाद का, सदन के अंदर वाद विवाद का एक मंच है, प्रभावी मंच है, आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और कैसे? आपको पॉइंट यहाँ पर बताने होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का कुल अभिप्राय यही है कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न लगे उसे आप सॉल्व करिए और अपने नोट्स में भी उसे अपडेट करिए। ये सवाल देखिए, आने वाले समय में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति की व्यवस्था से संसद के विधायी कार्यों के मूल्यांकन और देख रेख पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा करें। शॉर्ट नोट्स में मान लेते हैं कि बीपीएससी ने यही प्रश्न मान लेते हैं कि पॉलिटी में पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? जब आप एग्जामिनेशन देने के बाद घर जाएंगे तब आपको अफसोस आएगा और उस समय अफसोस के अलावा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि जो भी जरूरत संभावित चीजें हों आप उसे अभी कर डालें। एग्जामिनेशन में तो अभी समय है, आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ें लेकिन मेंस के लिए भी उतना ही आप फोकस करें, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस की तैयारी नहीं होगी तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर आप सिर्फ मेंस में लगे रहते हैं और प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अगर आप, हमने डेली रूटीन भी आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए भी आप 4 घंटे पढ़ें। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो प्रीलिम्स पर पढ़ने का ध्यान आपका जोर पकड़ जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स पर फिर उस समय ज्यादा जोर आप देने लगेंगे और मेंस पर कम समय देंगे, और जब नजदीक समय आ जाएगा तो बिल्कुल मेंस की तैयारी आपको छोड़ देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन में ये एनसीईआरटी जो बुक है उसको अवश्य सॉल्व करिए। जैसे देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक सवाल है, ये है क्लास ट्वेल्थ स्वतंत्र भारत की राजनीति। देखिए कितना अच्छा सवाल है, यहां 2-3 प्रश्न में डिस्कस करूंगा। ये सवाल देखिए, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? यानी कि जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम जो रहा भारत में, कैसे सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा 1951 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, यानी कि 1950 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक केंद्र की राजनीति में जो कांग्रेस का एकाधिकार रहा है, क्या उससे हमारा लोकतांत्रिक चरित्र जो है उस पर खराब असर पड़ा है? क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा, चूंकि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है और बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक दल का प्रभुत्व यहाँ पे रहा, तो क्या उसने हमारे लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर डाला है? इसे आपको यहाँ पर लिखना है। अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ज़्यादातर इसका सवाल नहीं में ही आएगा, क्योंकि वो जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें, वो जनता के द्वारा निर्वाचित की गई थी और हमारे देश के सामने कोई और कांग्रेस के अलावा विकल्प उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल हैं उसको आपको रेगुलर स्तर पर प्रैक्टिस करना होगा और इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप आंसर राइटिंग को दुरुस्त कर पाएंगे। आप देखिए, हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक क्या परिणाम हुए उसका यहाँ पर उल्लेख करना है। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे सवाल टॉपिक है यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास बुक है ही, आप उस बुक से आप अपना सॉल्व करिए। चैप्टर को आप एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भी सवाल वहाँ पर दिए हुए हैं उन सारे सवालों को आप वहाँ पर सॉल्व करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए और बुक में अंदर मिलाइए कि क्या जो आपने लिखा वो सही है। कोई सीनियर हो तो उनसे आप चेक कराइए कि आपका लिखा हुआ आंसर किस प्रकार का है, उसमें कोई शाब्दिक त्रुटि है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, इन सभी चीजों को आप देखिए, लिखिए, क्योंकि बार बार लिखने से ही आपकी राइटिंग कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो पाएगी और अंत में मुख्य परीक्षा के लिए आप एक दमदार कैंडिडेट के रूप में उभर चुके होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमारा डिस्कस करने का यही मतलब था कि आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रश्न का कलेक्शन कहाँ से लाएं। तो पहला ऑप्शन हमने बताया कि आप एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर को पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। दूसरा हमने ऑप्शन बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको नियमित अंतराल पर
हो सके तो पर डे एक एक दो दो प्रश्न भी मैं अवेलेबल कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप प्रश्न को कलेक्शन करते जाएं। इसको लिखकर मुझे चेक नहीं कराना है, क्योंकि मैं भी काफ़ी व्यस्त रहता हूं, कई स्टूडेंट की कॉपी याद आती है तो चेक करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप प्रश्न को कलेक्शन करते जाइए और उसकी खुद से आप प्रैक्टिस करिए। तो इन दो ऑप्शन जो है आपके पास, इसके माध्यम से आपकी मेन्स की जो कलेक्शन क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए भरपूर मात्रा में हो जाएगी और मेन्स की सफलता प्राप्ति के लिए उतना कारगर होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपकी बीपीएससी की तैयारी में काफी लाभदायी साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।